आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डंपर ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की हादसे में हुई मौत। बाइक खड़ी करके चाय पी रहा था युवक, जिसके बाद ये पूरा हादसा देखने को मिला है। मुगलसराय कोतवाली के गांव सैदपुरा का ये पूरा मामला आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर आज सुबह देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, वहीं बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाइक खड़ी करके युवक चाय पी रहा था, जिस वक्त ये पूरा हादसा देखने को मिला है। तो आज सुबह मुगलसराय कोतवाली के गांव सैदपुरा चंदौली से मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक की मौत होने की खबर सामने आ रही है। यह पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली के गांव सैदपुरा से सामने आया है। चंदौली में आज सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं झांसी में भाजपा करेगी चुनावी शंखनाद, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन विश्वास रथ यात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है। यात्रा से पहले मां पीतांबरा मंदिर में होगी पूजा अर्चना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। वहीं जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं रक्षा मंत्री। तो झांसी में आज भाजपा का कार्यक्रम है, जहां से चुनावी शंखनाद के साथ जन विश्वास रथ यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। यात्रा से पहले मां पीतांबरा मंदिर में पूजा अर्चना होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो झांसी से भाजपा का चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। जन विश्वास से रथ यात्रा की शुरुआत आज से होगी, जिसमें रक्षा मंत्री पहुंचेंगे मां पीतांबरा मंदिर में, पूजा अर्चना करेंगे रक्षा मंत्री, जिसके बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं जनसभा को भी रक्षा मंत्री संबोधित करने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।